एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। एंड हम लोग ईद के लिए स्पेशली घर आए हैं छुट्टी लेकर के, और ईद के लिए घर आए मतलब घर आए और कुछ एक्साइटेड ना हो तो ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो बस उसी के लिए हम लोग तैयारियां यहाँ पे चल रही हैं। मेरे हस्बैंड आपको बाद में बताएंगे कि हम लोग क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज ईद है। देन हैप्पी ईद सबको, जो भी ईद मनाएंगे उन सबको हैप्पी, जो नहीं मनाएंगे उन सबको भी हैप्पी ईद हमारी सबकी तरफ से। तो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं प्रिपरेशन, और प्रिपरेशन किस चीज़ की है वो ये है कि ऐसे तो बच्चों को ईद ही हर टाइम जब ईद होती है तो बच्चों को ईदी देते हैं, लेकिन इस बार कुछ यूनिक तरीके से ईदी देने का प्लान किया है मेरे हस्बैंड ने। तो वो ही आपको बताएंगे कि उन्होंने क्या प्लान किया और किस तरीके से वो सोच रहे हैं। तो जैसा कि आज ईद है और आज हम कर रहे हैं ईदी की तैयारी। तो बच्चे हैं तो हम इन सभी को आज ईदी को तोहफा देंगे। तोहफा क्या है, हम एक गेम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। हाँ, तो फिर आज देखेंगे। हमने एक प्लान किया है। प्लान क्या है कि ये जो गुब्बारे लगाए हैं और इनमें हमने कुछ पर्चियाँ डाल दी हैं, पर्चियों में अमाउंट लिख दिया है और कुछ पर्चियों में हमने उसके ऊपर वो कर दिया है, काउंटिंग लिख दी है 1 2 3 4 करके। जैसे ही वो एक एक पर्ची उठाएंगे जिसका जो नंबर होगा वो आके गुब्बारा फोड़ता रहेगा। तो प्लान सबको बता दिया है कि इस तरीके से प्लान किया हुआ है कि हाँ, ये बालून जो है उसको फोड़ेंगे और उसमें से जितने पैसे निकलेंगे वो कैश जो है वो करवा लेंगे। तो बस उसी की तैयारियों में सब बच्चे लगे हुए हैं। तैयारी हो गई है, बैलून लग गए हैं, देन बच्चे भी सब इकट्ठा होकर के आ गए हैं। ये इवेंट्स हमने नाइट में किया था, मतलब ये फंक्शन जो भी छोटा सा, तो ये हमने रात में किया था। देन पर्चियां उछाल दी गई हैं, ले लीजिए जिसका जो भी नंबर आएगा आप वो उसी तरीके से जा करके बैलून फोड़ेंगे। तो मैंने भी अपना नंबर ले लिया, मेरा 6 नंबर है और हमारे 13 नंबर। अब देखते हैं हमारी किस्मत में क्या होता है। अब उसके बाद आप लोग रियल वीडियो को इंजॉय करिए। मेरी भी दे दो, एक मेरी रेड जी। मेरा 6 नंबर। नहीं तो बलून तो आप जो मर्जी फोड़ोगे ना। नहीं नहीं नहीं, बलून तो जो मर्जी फोड़ सकते हैं। ठीक है, 13 नंबर हमारे। अमान का 13 नंबर। हाँ, अमान का 13 नंबर। 6 ठीक है। किसने डाली? डैडी ने डाली है। ये तो किस्मत से बाय चांस ही बना गया। ठीक है, चलो चलो। रुको रुको, एक आंखें बोलनी बस। ठीक है, उसके बाद ये वाली जो पर्ची है ना, इस पे अमाउंट लिखा होगा, उस अमाउंट को देख के अपने पास रख लेना और जब पर्ची जमा करवाओगे उतना ही अमाउंट आपको कैश बाय हैंड मिल जाएगा। ठीक है, आपको लाख के निकालो। ठीक है, ओके। नहीं बता दो ना कितना आया। ये मेरे को आए 35 रुपीज। ओके, 35 रुपए। नहीं तेरे को लग गया। ठीक है, इशरत इशरत इशरत। हाँ ठीक है, आपको 4 है नंबर की। अकाउंट में देखना कितना आया। तो 30। ओ वाओ, क्लैपिंग का तो 30। ये पर्ची रखनी है अपने अंदर। ठीक है, कैश करवा लेना। ठीक है,
पर्ची उठा लो। अभी आपकी बारी है। तो फोर्थ नंबर किसका है? आरिफ का है। आरिफ का है? अभी तो चार नंबर खुशी का। चलो हाँ निकालो अपनी। कितने नंबर हो गए? चार। छह नंबर मेरा है। कोई भी पहले टारगेट है ठीक है ओके।
जीरो तो भैया सो अमान अंकल तो ये नब्बे रुपए हो गया प्रोग्राम बंद नहीं नहीं बता दो जो डबल अमाउंट वाले वो बता देना ठीक है कितने आया साठ रुपए नब्बे साठ तीन और कितने हैं 140 होंगे 50 रुपए ये कितने हो गया 140 रुपए हो गया सबको मिलेगा सब में बटेगा डैडी ने चीटिंग करके डैडी को मालूम था 100 रुपए से पहले ही उसने फोड़ा नहीं डैडी बता दो नहीं नहीं अगर मालूम होता तो देखो पर्चियां आ गई हैं और 40 रुपए और मालूम इसके हो गए इन दोनों के हो गए और तेरे कितने 10 बोल रहे हैं 15 25 बस दो ही ना लो पकड़ो 25 रुपए हो गए ना तेरे दादी वाला कितने दादी कितने 90 रुपए है ना 90 रुपए दादी वाले दादी वाले सर में सबके पैसे बंट गए हैं देन मुझे भी मिले हैं 20 रुपीज और उसी की खुशी में मैं बना रही हूँ सबके लिए खीर जो कि हम लोग अभी बैठ के खाएंगे और हमने खीर खाई बहुत ज़्यादा इंजॉय किया और उम्मीद करती हूँ कि हमारी इस गेम को आपने भी बहुत ज़्यादा इंजॉय किया होगा। आज का दिन तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा बहुत ही ज़्यादा प्यारा रहा फैमिली के साथ। सो अगर आपको भी वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और वीडियो को शेयर करें दैन लाइक कमेंट ज़रूर करें अच्छे बुरे जो भी आप कमेंट करना चाहते हैं कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें।